विकासासाठी विरोध नाही, जे विरोध करना है इतना विरोध नहीं कर रहे। ये मामला है इस देश के राष्ट्रपति और संविधान के सम्मान का। प्रधानमंत्री जी नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं, अपने अधिकार में करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष ने उन्हें इन्वाइट किया है। क्योंकि अगर आप निमंत्रण पत्रिका देखें, अगर आप कार्ड देखें, तो संविधान के दूसरे नंबर के जो नेता होते हैं उपराष्ट्रपति, उनका भी नाम नहीं है। राष्ट्रपति तो है ही नहीं। अरे भाई, राष्ट्रपति को निमंत्रण तो दीजिए। बात यहां अटकी, उस बारे में कोई नहीं बोल रहा कि हम राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुला रहे हैं, उपराष्ट्रपति जी का नाम क्यों नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद को बुलाया नहीं है, उनको निमंत्रण नहीं है, तो क्या ये एक पार्टी का समारोह है, क्या है? इसके ऊपर जवाब दीजिए। अपोजिशन का जो विरोध है ये देश के सम्मान का विरोध है, नहीं पार्लियामेंट। ये कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है, ये नेशनल प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, और देश का एक संसद का उद्घाटन होने जा रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने फलाना फलाना एक्सटेंशन किया था पार्लियामेंट का, उसका उद्घाटन किया। एक्सटेंशन और पार्लियामेंट में फर्क होता है। राजीव गांधी जी ने लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, लाइब्रेरी की इमारत और पार्लियामेंट का, वहां सत्र नहीं बैठता है, सत्र को पार्लियामेंट में सामने आकर बात तो कीजिए। प्रधानमंत्री जी सामने आकर बात करिए, ऑस्ट्रेलिया में डेमोक्रेसी है या पपुआ गिनी में हमारे चरण स्पर्श किया है, क्या है? इस देश की लोकशाही धाराशाही, लोकतंत्र धाराशाही हो रहा है, आप उसके बारे में बात करें। अमित शाह जी साहब कह रहे हैं कि हमने एक एक